राजस्थान चुनाव को लेकर जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें बीजेपी के पाले से गेंद जाती हुई दिख रही है। हालिया हुए एक सर्वे में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाया गया है। ऐसे में बीजेपी के आला कमान के माथे पर चिंता की शिकन उभरना लाजमी है, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी आखिरी चाल चल दी है और इस तुरुप के इक्के से हारी हुई बाजी जीतने की रणनीति बना ली है। अब सवाल उठता है कि आखिर शाह का वो तुरुप का इक्का कौन है? वो कौन है जो राजस्थान में बीजेपी को हारी हुई बाजी जिता सकता है? वो कौन है जो शाह की आखिरी चाल है? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, अमित शाह ने राजस्थान के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की कई रैलियां रची हैं, क्योंकि राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने अपनी गौरव यात्रा से जो करना था वो कर दिया। बावजूद इसके राजस्थान में बीजेपी की जीत दिल्ली जितनी दूर दिख रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री को शाह ने राजस्थान में अपना तुरुप का इक्का चल दिया है, जिसके सामने गहलोत से लेकर पायलट तक कांग्रेस के सब बड़े योद्धा ठंडे पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में कई रैलियां करेंगे जिनकी तारीखें सामने आ गई है। राजस्थान में मोदी रैलियों की शुरुआत 23 नवंबर से अलवर से करेंगे। इसके बाद 26 नवंबर को मोदी जयपुर और भीलवाड़ा में रैली करेंगे। 27 नवंबर को कोटा और नागौर में उनकी जनसभाएं होंगी। इसके बाद वो 28 नवंबर को दौसा और डूंगरपुर जाएंगे। फिर दिसंबर के महीने की 4 तारीख को जोधपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में रैलियां करेंगे। इस तरह इन रैलियों से मोदी बीजेपी के लिए जीत का बेस तैयार करेंगे। ये तो सब जानते हैं कि मोदी की एक रैली चुनाव की उलझी समीकरण सुलझाने के लिए काफी है। ऐसे में मुमकिन है कि मोदी की एक के बाद एक इतनी रैलियों से सारी समीकरण ही बदल जाएं। देखने वाली बात होगी कि अमित शाह का ये तुरुप का इक्का कितना कमाल दिखा पाता है।